हेलो दोस्तों, एट जी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आयोग ने जो है छात्रों को समय समय पर जो है बहुत बड़े बड़े झटके दिए हैं, और ठीक इसी प्रकार हम आपको बता दें दोस्तों कि अब छात्र जब काउंसलिंग में जा रहे हैं तो समय पर उन्हें एक और झटका मिला है। दोस्तों, क्या झटका मिला है आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और ऐसा डॉक्यूमेंट्स मांग लिया जो कि नियमावली में कहीं भी उसका जिक्र तक नहीं है। अब छात्र उन डॉक्यूमेंट्स को कहाँ से लाए, ये बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। तो आयोग ने जो है नियमावली के विरुद्ध हम आपको बताएंगे दोस्तों कि क्या कागजात मांग लिए हैं और छात्र कहाँ से लाएंगे। कम से कम आयोग को ये सोचना चाहिए कि मैंने जो लापरवाही बरती 7 वर्षों से, उस पर छात्र कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन छात्रों से ऐसा सब डॉक्यूमेंट्स कभी भी जो है आयोग को नहीं मांगना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स आसानी से हो, नियमावली के एकदम सही हो, सटीक को ऐसा डॉक्यूमेंट्स मांगना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा मांग लिया जो कि छात्रों के पास अवेलेबल ही नहीं है। दोस्तों, आप वीडियो में जरूर लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि क्या कुछ ऐसा मांगा है। तो यहां देखिए दोस्तों, जब 10th नंबर जब इसमें जब 10 नंबर जब आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा कि टंकन प्रमाण पत्र यानी टाइपिंग का जो है सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है, जबकि नियमावली में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है। कोई भी छात्र जो है, सभी का यही टेंशन है कि ये टंकन प्रमाण पत्र कहाँ से लाए, क्योंकि कुछ छात्रों के पास है और ये भी टंकन प्रमाण पत्र जो मांगा गया है वो हाल फिलहाल का नहीं मांगा गया, ये मांगा गया 2014 से पहले का। तो सोचिए दोस्तों कि ये अगर टंकन सर्टिफिकेट अभी छात्रों के पास नहीं अवेलेबल है तो आयोग जो है पहले ही नियमावली में क्लियर कर देना चाहिए था कि इसका प्रमाण पत्र भी देना होगा, लेकिन ऐसा नहीं किया है। अब दूसरी जो सबसे ज्यादा टेंशन है वो SC और ST कैंडिडेट के लिए। इसमें क्या कहा दोस्तों कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र यानी जाति प्रमाण पत्र तो मांग लिया, लेकिन दोस्तों जैसे ही हम इसमें आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, कब का जो है जाति प्रमाण पत्र मांगा आप यहाँ दे सकते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए निर्गत जाति प्रमाण पत्र आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31/10/2014 से लेकर के जो है, मतलब इससे पहले, इतना समझ लीजिए कि 31/10/2014 जो लिखा है इससे पहले का जाति प्रमाण पत्र आपका मान्य होगा। अब सोचिए कि कुछ छात्रों के पास तो ये है, अवेलेबल है, लेकिन बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनके पास अवेलेबल नहीं है। अब वो क्या करेगा, तो दोस्तों ये आयोग पर ही डिपेंड होगा कि आयोग इस पर क्या राय लेती है। और इसमें हम आपको दिखा दोस्तों कि इसमें जो है इसके शुरुआती दौरान थोड़ा सा जब जाते हैं तो यहाँ जो ऊपर में लिखा हुआ है इसमें 2 नंबर आप देखेंगे कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा प्रारंभिक एवं मुख्य हेतु निर्गत प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड जो मांगा है वो PT और मेन्स दोनों का। इसमें जो है PT का जो एग्जाम हुआ था दोस्तों, हालांकि ज्यादा दिन तो नहीं हुए हैं, 2018 में हुआ, तो उनका एडमिट कार्ड है बहुत सारे छात्रों के पास, लेकिन किसी किसी का खो गया है। तो ये ज़्यादा टेंशन देने वाली बातें नहीं है। सबसे ज़्यादा टेंशन देने वाली 2 ही बातें हैं, और इसमें क्रीमी लेयर भी जो मांगा है वो भी बहुत पहले का मांगा है। तो सोचिए दोस्तों, ये सब सारे डॉक्यूमेंट्स छात्रों ने जो है कैसे कहाँ से लाए। और सबसे ज़्यादा जो इसमें जो टेंशन देने वाली बात है वो सिर्फ और सिर्फ यही है जो 10th नंबर मैंने अभी बताया कि जो टंकन प्रमाण पत्र कहाँ से छात्र लाएंगे। और एक चीज और हम आपको बता दें दोस्तों, इसमें जो 12 नंबर कह रहा है कि कंप्यूटर दक्षता MS Office बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग का ज्ञान संबंधी प्रमाण पत्र, तो आपने अगर DCA कर रखा है तो सिर्फ DCA का सर्टिफिकेट दे दें, उसी से दोस्तों इसमें जो है MS Office बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग सारे जो है सब DCA में आ जाते हैं। यानी DCA अगर आपने सर्टिफिकेट बना लिया है, पहले से सर्टिफिकेट आपको है वो भी 2014 से पहले, तो वो जो है चलेगा। उसमें MS Office का जो है सारा चीज उसमें वर्णन है, क्योंकि DCA में यही सब तो चीज सिखाया जाता है। इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है कि जो है ये अलग अलग है, नहीं ये अलग नहीं है, दिया हुआ है। क्योंकि कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं सिर्फ वो MS Office का ही जो है नॉलेज प्राप्त करते हैं, तो उनको जो है सिर्फ MS Office का ही सर्टिफिकेट लिया जाता है, लेकिन यहाँ जो है DCA के अंतर्गत ये सारी चीजें आ जाती है। तो आपके पास अगर DCA है तो आप वही सर्टिफिकेट दें, इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं है।
लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन है जो टंकन प्रमाण पत्र मांगा गया, ये जो है नियमावली में कहीं नहीं है। तो दोस्तों इस मुद्दे को जो है दिलीप कुमार और संदीप सौरभ जी जो है इनको बताना चाहिए, क्योंकि जो है छात्रों का भविष्य जो है अंधेरे में है। यही सब जो है दो व्यक्ति हैं जिनको अगर ये चीज़ें समस्या अगर बताया जाए दोस्तों, तो ये डायरेक्ट जो है आयोग में मिलेंगे और वहाँ से बातचीत करेंगे कि इतना पुराना वैकेंसी में जो है ये सारी चीज़ें अगर मांग की जाए तो छात्र कहाँ से लाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए एक लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।